Assalamualaikum viewers, my name is Mia Fawad. My contact number is 0302-448-9001. मैं आपको डेली बेसिस पे क्लोजिंग डेट्स बताता हूँ. आज हम लोग क्लोजिंग डेट्स के साथ साथ स्पेशली बात करेंगे डीएचए मुल्तान के ऊपर. डीएचए मुल्तान की एफिडेविट की फाइल बेहतर है या इस वक्त एलोकेशन की फाइल बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा पहले डेट एक्सटेंड हुई, उसके बाद मजीद नोटिफिकेशन आए. नोटिफिकेशन के मुताबिक कुछ लोग पजल्स हैं कि एलोकेशन में जाना चाहिए या एफिडेविट्स में जाना चाहिए. बहुत से क्वेश्चंस हमें पूछते हैं कस्टमर्स, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको आइडिया हो सके कौन सी फाइल्स वैलेट में शामिल है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए. सबसे पहले मैं आपको डीएचए मुल्तान के सिनेरियो से एफिडेविट और एलोकेशन के दरमियान डिफरेंस थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम फर्दर आगे चलते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगा एफिडेविट फाइल्स की. एफिडेविट फाइल्स क्या होती है? एफिडेविट फाइल्स वो फाइल्स होती है जब कोई लैंड ऑनर डीएचए को लैंड प्रोवाइड करता है, डीएचए उसके अगेंस्ट उसको फाइल्स ऑफर करता है. लैंड ओनर या इन्वेस्टर जो डीएचए को जमीन देता है, डीएचए उसके अगेंस्ट उसका जो शेयर बनता है वो उसको ऑफर करता है, बट वो शेयर अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाता. फॉर एग्जांपल, एक एकड़ में हम अज्यूम करते हैं कि डीएचए मुल्तान की दो फाइल्स ऑफर की जाती है, लैंड ओनर या इन्वेस्टर. वो फाइल्स अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवाता क्योंकि वो इन्वेस्टर है या लैंड ओनर है, उसने पर्सनल लैंड लेकर डीएचए को फॉरवर्ड कर दी, उसका ये बिजनेस है. वो डीएचए के साथ एक वर्बली या रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है कि मैं जिसके नाम का आपको एफिडेविट दूंगा आप उसको अलॉटमेंट कर देना और मैं उसे अपने पैसे रिकवर कर लूंगा जो मार्केट रेट चल रहा होगा फाइल का. एफिडेविट बेसिकली बयान हल्फी को कहते हैं. उर्दू में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं कि आप जिसके नाम का वो बयान हल्फी देता है, डीएचए इसको वेरीफाई करता है कि आया इसकी वो लैंड मौजूद है जो उसने हमें दी है, उसके अगेंस्ट इसकी कितनी फाइल्स बनती है, तो एक एफिडेविट इशू होता है. वो एफिडेविट बयान हल्फी को बेसिकली बोलते हैं. वो बयान हल्फी देगा और डीएचए जो है वो डायरेक्ट उस परचेजर के नाम पे जिसकी पिक्चर आईडी कार्ड उस पर फिल करके वो अटैच करेगा, उसके नाम पे इंटीमेशन लेटर इशू कर देता है. इंटीमेशन की टोटल तीन कॉपीज होती है, एक वो जो लैंड ब्रांच में रखी जाती है, एक जो एलोकेशन ब्रांच में बेची जाती है ट्रांसफर ब्रांच में, और एक कॉपी जो है वो कस्टमर कॉपी होती है जो कि सेलर को दे दी जाती है उस लैंड ओनर या इन्वेस्टर को जिसके वो एफिडेविट होता है, जिसको बेनिफिट के तौर पर मिला होता है. वो जब इशू कर दी जाती है वो सेलर के हैंड ओवर कर दी जाती है. सैलर जो उसका कोई नुमाइंदा डीएचए ऑफिस में प्रेजेंट होता है, वो ओरिजिनल इंटीमेशन लेटर लेके बायर जो है वो वहां पे जाता है, बैलेंस अमाउंट जो उसने पे ऑर्डर बनवाया होता है डीएचए से, वो उसकी वेरिफिकेशन करता है कि ये जो आप मुझे इंटीमेशन लेटर इशू हुआ है ये चेक करते हैं कि ये जेन्युइन है, फेक तो नहीं है. वो उसको चेक करते हैं इंटीमेशन लेटर जो है उसके अंदर राउंड अबाउट में एक स्टैंप जो है इम्पोज होती है और उसके अलावा सिग्नेचर होते हैं, ओरिजिनल कॉपी होती है. डीएचए इसको वेरीफाई करके कहता है कि आप इसको पेमेंट कर दें, ये ओरिजिनल है. आप जो है उसकी पेमेंट परचेजर जो है उस सेलर को दे देता है, उसके अगेंस्ट उसको वो फाइल मिल जाती है. वो फाइल इंटीमेशन लेटर जो है वो अपने पास रखेगा. दो तीन वर्किंग डेज के बाद, दो से तीन दिन लगते हैं, उसके बाद एलोकेशन लेटर जो है एलोकेशन ब्रांच में जब कॉपी चली जाती है इंटीमेशन लेटर की, तो उसके अगेंस्ट डीएचए वाले मेंबरशिप का वाउचर जनरेट करते हैं. लाहौर की अगर मैं बात करूँ स्पेशली लाहौर ऑफिस की, तो इसमें क्या होता है कि इंटीमेशन लेटर जब आप रिसीव कर लेते हैं, पेमेंट दे देते हैं, उसके बाद तीन दिन के बाद या दो दिन के बाद जब वो थर्ड कॉपी जो इंटीमेशन की होती है तीन कॉपियों में से, वो कॉपी ट्रांसफर ब्रांच को भिजवा दी जाती है. ट्रांसफर ब्रांच या एलोकेशन ब्रांच उसके ऊपर एलोकेशन नंबर असाइन कर देती है. वो एलोकेशन नंबर जो असाइन होता है उसके अगेंस्ट मेंबरशिप का वाउचर जनरेट होता है. वो मेंबरशिप का वाउचर आप बैंक में पे करते हैं. इस वक्त 64,160 रुपए डीएचए की मेंबरशिप फीस है और एफिडेविट की जो प्रोसेसिंग फीस हम इसको कह लें या ट्रांसफर फीस कह लें, वो 10,000 रुपीज होती है. वो डीएचए लेता है, उसके साथ लाहौर ऑफिस के अंदर इंटीमेशन ओरिजिनल सबमिट होता है, साथ में ओरिजिनल मेंबरशिप फॉर्म की कॉपीज, ओरिजिनल मेंबरशिप जो चलान होता है उसकी कॉपी, वाउचर की, दो अटेस्टेड पासपोर्ट साइज पिक्चर्स ब्लू बैकग्राउंड के साथ, दो आईडी कार्ड की कॉपीज अटेस्टेड, और एक सेल एग्रीमेंट होता है. सेल एग्रीमेंट किनके बिटवीन होता है? उस इन्वेस्टर या उस सेलर के जिसने वो फाइल बेची है और बायर के दरमियान, और उसके बॉटम का जो कॉलम होता है उस पे जिस डीलर के थ्रू डील हुई है उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और स्टैम्प इम्पोज होती है और सिग्नेचर्स होते हैं उस पर. ये डॉक्यूमेंट्स डीएचए ऑफिस में सबमिट करवा दिए जाते हैं. डीएचए उसके अगेंस्ट आपको एक स्लिप इशू करता है जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट सब सबमिट करवाते हैं, सील मिल जाती है एलोकेशन की, और उसके बाद 10-15 डेज के बाद आपका एलोकेशन लेटर जो है वो रेडी होता है. बायर एनी टाइम जिसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है सिर्फ वही उस लेटर को कलेक्ट कर सकता है, एनी टाइम जाकर वो लेटर कलेक्ट कर सकता है. अब जब उसने वो लेटर कलेक्ट कर लिया तो वो फाइल उसकी एलोकेशन में कन्वर्ट हो गई.
एलोकेशन वो जब फर्दर फ्यूचर में जब भी सेल करेगा तो एलोकेशन फाइल शेयरों को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेन में आते हैं कस्टमर्स के, एलोकेशन फाइल के ऊपर ट्रांसफर कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों होती है? एलोकेशन बेसिकली एक सेलर सेल कर रहा है और एक बायर बाय कर रहा है, तो उसके ऊपर डीएचएस जो है वो अपनी ट्रांसफर फीस मेंबरशिप फीस कंप्लीट चार्ज करता है 1,12,350 रुपए, प्लस उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है आपसे टैक्सेस लेती है। स्टैम्प ड्यूटी की जगह 5% टैक्स होता है एज पर डीसी वैल्यू, 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, डीसी वैल्यू कह लें एफबीआर वैल्यू कह लें आप, उसका 5% 50,000 जो है वो अमाउंट बनती है वो स्टैम्प ड्यूटी की जब में ये गवर्नमेंट जो है वो आपसे चार्ज करती है। और डीएचए अपनी फीस लेते हैं जिसमें 75,000 रुपए ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, ट्रांसफर फीस है, 37,000 रुपए मेंबरशिप फीस के चार्जेस है, 350 रुपए वो आपसे मेंबरशिप फॉर्म के चार्ज करते हैं, टोटल 1,12,350 रुपए डीएचए चार्ज करता है। टोटल अगर मैं इसको सम अप करूं डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ऐड ऑन करके और सेल एग्रीमेंट स्पेशली ऐड ऑन करके जो कि स्टैम्प पेपर में बनता है जिसकी मालियत जो है वो 2200 रुपए होती है, तो ये टोटल आपको 167,500 इसकी ट्रांसफर कॉस्ट बनती है एक कनाल एलोकेशन की जो फर्दर रीसेल हो रही है। उसमें जब एक प्रॉपर बाइंग सेलिंग हो रही है तो उस पर आपको फीसेस भी देनी है, टैक्सेस भी देनी है। अब लोग अक्सर क्वेश्चन कहते हैं कि एफिडेविट के ऊपर ऐसा क्यों नहीं? बेसिकली वन टाइम जब डीएचए ने लैंड अक्वायर की उसके अगेंस्ट रजिस्ट्री हुई, डीएचए ने टैक्सेस पे किए और सेल एग्रीमेंट हो गया लैंड ऑर्डर और डीएचए के आपस में, वो एक कंप्लीट डील कंप्लीट हो गई। उसके बेनिफिट के तौर पे जो पेमेंट करनी थी डीएचए ने उसके अगेंस्ट उनको फाइल दे दी है। अब बेसिकली वो जो एफिडेविट फाइल्स होती है वो बेनिफिट की फाइल्स होती है, इसलिए उसके ऊपर दोबारा से स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दोबारा से डीएचए आपसे एक्स्ट्रा हैवी फीस नहीं चार्ज करता और गवर्नमेंट भी आपसे उसके ऊपर दोबारा से स्टैम्प ड्यूटी चार्ज नहीं करती, क्योंकि एक दफा डील हुई ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट मिलना था या जो पेमेंट मिलनी थी उसके अगेंस्ट डीएचए ने वो फाइल्स ऑफर किए, इस वजह से उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। ये हमने बात की एफिडेविट और एलोकेशन की, काफी दोस्तों को इस चीज की समझ आ चुकी होगी, मैंने तो बहुत कोशिश की इसको आसान अल्फाज में समझाने की। फर्दर हम लोग बात करते हैं कि डीएचए मुल्तान के सिनेरियो के अंदर एफिडेविट बेहतर है इसका कि एलोकेशन बेहतर है? इस वक्त जो करंट प्राइस चल रही है वो 45,45,000 रुपया है, इस वक्त एफिडेविट फाइल दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? 45,45,000 रुपए की प्राइस है प्लस 74,000 के करीब इसके ऊपर ट्रांसफर के एक्सपेंसेस हैं, 74,160 और 1% अगर डीलर की कमीशन एड ऑन करें तो 1,20,000 रुपए के करीब एक्सपेंस आता है एफिडेविट फाइल का टोटल। उसको अगर हम प्राइस में एड ऑन करें तो 46,65,000 की सब फाइल आपको कॉस्ट कर रही है एफिडेविट फेज वन फर्स्ट बैलेट। मैं यहां पे दोस्तों को बताता चलूं कि कैसे पता चलेगा कि ये फाइल जो है फर्स्ट बैलेट की है सेकंड बैलेट की। डीएचए ने नोटिफिकेशन इशू किया है, लास्ट जो नोटिफिकेशन आया हुआ है स्टार्टिंग में आया था फेब के, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2018 और 2019 ओपन डेट की गई, 19 की उसमें कोई डेट नहीं बताई गई कि इस डेट तक, 2018 और 2019 तक जितने भी एफिडेविट इशू किए जाएंगे और उसके अगेंस्ट जितने भी इंटीमेशन और एलोकेशन इशू किए जाएंगे वो तमाम के तमाम फेज वन के फर्स्ट बैलेट में इंक्लूडेड है। और दूसरी, जब हम लोग एफिडेविट फाइल डीएचए में सबमिट करवाते हैं तो डीएचए इसके अगेंस्ट हमें एक स्लिप देता है, डिपॉजिटर स्लिप एफिडेविट सबमिट होने के बाद, उसके ऊपर भी डीएचए ने मेंशन किया हुआ है फर्स्ट बैलेट और सेकंड बैलेट का कॉलम, आप उसको टिक करते हैं या डीएचए उसको फिल करके देते हैं कि फर्स्ट बैलेट की फाइल है, आपको ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि ये वाकई ही फर्स्ट बैलेट में शामिल है। जब हम एलोकेशन की बात करें तो एलोकेशन की फाइल जो है वो हमेशा 45,90,000 रुपए पे अवेलेबल है, अगर हम उसमें ट्रांसफर कॉस्ट 167,500 एड ऑन करें और डीएचए कमीशन ऐड करें तो तकरीबन आपको 2,13,000 रुपए इसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा आपको ओवरहेड एक्सपेंडिचर पे करने पड़ते हैं। अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं तो 2,10,000 रुपया प्लस 45,90,000 रुपया ये टोटल आपको 48 लाख रुपए में कॉस्ट करती है, जबकि एफिडेविट करंट सिनेरियो में 46,65,000 रुपए में कॉस्ट कर रही है, तो दोनों के बीच डिफरेंस 1,35,000 रुपए का आप ही को बेनिफिट हो रहा है, कस्टमर का बेनिफिट है। और एंड पे आपके पास दोनों सूरतों में एलोकेशन फाइल ही आ रही है, अगर एलोकेशन फाइल लेते हैं उसके अगेंस्ट भी, अगर आप एफिडेविट 2018-2019 का लेते हैं तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास एलोकेशन फाइल आ रही है और उसमें आपकी सेविंग हो रही है। तो दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से एज ए ऑथराइज्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऑफ डीएचए मुल्तान, हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप 2018-2019 का जो फेज वन के फर्स्ट बैलेट में एफिडेविट आ रहे हैं वो बाय करें, ताकि उसमें आपकी सेविंग भी हो और इस वक्त दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो इस वक्त प्राइस मिल रही है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त बॉटम प्राइस है, इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर चांसेस हैं। फॉर मोर डिटेल और इन्फो के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डीएचए मुल्तान की
कि मैं ऑथराइज पर्सन हूँ फ्रॉम डीएचए मुल्तान एंड फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डील कर रहा हूँ डीएचए मुल्तान को फ्रॉम फर्स्ट डे। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, माई कॉन्टेक्ट नंबर इज 0302-448-9001। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं क्लोजिंग डेट्स के ऊपर। सबसे पहले हम डीएचए मुल्तान से ही स्टार्ट करते हैं। डीएचए मुल्तान की एफिडेविट फाइल 45,45,000 पे अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल 45,90,000 पे है एक कनाल की, फेज वन फर्स्ट वाले फेज। उसके अगर हम 10 मरला की बात करें तो 37,50,000 रुपए में एलोकेशन है। अगर इंस्टॉलमेंट फाइल्स की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं मिली है, जो लास्ट रेट चल रहे थे स्टिल वही रेट चल रहे हैं। अगर हम बावलपुर की बात करें इस वक्त तो एक कनाल की एफिडेविट फाइल 29,00,000 रुपए में है, जबकि डीएचए क्वेटा इस वक्त एक कनाल 40,00,000 रुपए में एफिडेविट उसकी अवेलेबल है। अगर मैं डीएचए गुजरावाला की बात करूं तो डीएचए गुजरावाला की प्राइसेस में भी कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट फाइल्स है उसमें स्पेशली प्राइसेस जो है वो रिड्यूस हो रही है। एक कनाल की डीएचए गुजरावाला की फाइल जो एफिडेविट फाइल है वो इस वक्त अवेलेबल है 48,00,000 रुपए में, एलोकेशन 45,75,000 रुपए में, जबकि अगर मैं 10 मरला की बात करूं तो 31.5 में एलोकेशन है और 33,10,000 रुपए में उसका एफिडेविट है। 5 मरला की इंस्टॉलमेंट बेस्ड जो फाइल है वो 3.25 लाख रुपए उन पे है, जबकि 10 मरला की फाइल की प्राइसेस स्टिल रिड्यूस हो रही है क्योंकि उसकी 15 मार्च क्लोजिंग डेट आ रही है डाउन पेमेंट की, इस वजह से प्रेशर बिल्डअप हुआ है, सेलिंग आ रही है। इस वक्त 1,90,000 रुपए ऑन पे 10 मरला की फाइल अवेलेबल है, जबकि 1,00,000 रुपए ऑन पे एक कनाल की फाइल इस वक्त अवेलेबल है। अगर मैं इसकी बात करूं कमर्शियल की तो 4 मरला कमर्शियल इस वक्त 7,00,000 रुपए में अवेलेबल है, जबकि 8 मरला कमर्शियल 4,00,000 रुपए डिमांड है बट उसका बायर अभी तक मार्केट में नहीं है, जबकि 2 कनाल की जो फाइल है उस वक्त 3.5 लाख रुपए में डिमांड की जा रही है, उसका भी मार्केट में इस वक्त बायर नहीं है, प्राइसिंग ट्रेंड अभी डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर में डीएचए लाहौर फेस 10 की 1 कनाल की एफिडेविट की फाइल 25,000 रुपए रिड्यूस हो गया 48,75,000 रुपए इस वक्त क्लोज हो रही है, जबकि एलडीएस सिटी की अगर मैं बात करूं तो एलडीएस सिटी की 5 मरला की फाइल 16,60,000 रुपए अवेलेबल है, 10 मरला की 24,50,000 रुपए में, 1 कनाल की फाइल 37,70,000 रुपए में इस वक्त एग्जेम्पशन लेटर के साथ अवेलेबल है। जैसा कि आपके नॉलेज में एलडीएस सिटी की प्राइस भी थोड़ी रिड्यूस हो रही है, तो जो दोस्त उसमें बाय करना चाह रहे हैं वो अभी थोड़ा सा वेट कर लें, अगर रेट थोड़ा मजीद नीचे आएगा तो उसमें डेफिनेटली अभी का बेनिफिट है। और हल्लो की गार्डन की हम लोग बात करें अगर फेज 11 की, डीएचए लाहौर फेज 11 डीएचए रायपुर फेज 2 एक्सटेंशन की, तो उसमें हलो की फाइल जो है वो 28,00,000 पे है 5 मरला, जबकि साधो की 29,00,000 रुपए में है, और जो 4 मरला कमर्शियल है इस वक्त हलो की का वो 159,00,000 में इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है। फॉर मोर डिटेल और इन्फो के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, माई कॉन्टेक्ट नंबर इज 0302-448-9001। आप मुझे पर्सनली विजिट कर सकते हैं, माई ऑफिस एड्रेस 46MB कमर्शियल फेज 6 डीएचए लाहौर। अगर आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं +92322-492-992। आप हमारा YouTube चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।